मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग साइंस का सिक्स चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इसे स्टडी करेंगे। इसके पहले आपको मालूम है कि आपका साइंस का एक ही बुक है, लेकिन उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हो, ये साइंस टू का फर्स्ट चैप्टर है, और इसमें आप पढ़ोगे किंगडम प्लांटे, सब किंगडम जिम्नोस्पर्म, सब किंगडम एंजियोस्पर्म। ये क्या एग्जैक्टली आप चैप्टर में पूरा डिटेल में इसके बारे में जानने वाले हो। तो इसी चैप्टर से रिलेटेड बातें आपने 8 स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई हैं। आपने देखा था, आप अभी देखो, कैन यू रिकॉल। चलो चलते हैं पीछे, हमने क्या पढ़ा था एक बार उसको रिकॉल करते हैं। तो हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म बीन क्लासीफाइड, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासीफाई किया गया था। तो बगल में देखो एक चार्ट बना हुआ है जो आपने इस स्टैंडर्ड में भी देखा था। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेसिकली क्लासिफाई किया गया है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। अब बच्चों याद है आपको प्रोकैरियोट क्या होता है? ओके, ठीक है, चलो मैं फिर से बता देता हूँ प्रोकैरियोट क्या है। बच्चों पहले तो इस वर्ड का मीनिंग समझो। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका न्यूक्लियस जो है प्रिमिटिव है, वेल डेवलप्ड नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट कहते हैं। और एक बात, प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वेल डेवलप्ड नहीं होते। या हम ये बोल सकते हैं कि सेल ऑर्गेनल जो है इसके चारों तरफ भी मेम्ब्रेन नहीं रहता है। ओके, तो प्रोकैरियोट क्या होगा? जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव है, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल ऑर्गेनल्स के नेम बताओ, तो आपको मालूम है कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, ओके, और ऐसे डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल सेल में प्रेजेंट होते हैं। मगर प्रोकैरियोट में ये ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होते हैं, और प्रोकैरियोट में एक ही ग्रुप आता है मोनरा, राइट। तो अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा डायग्रामेटिक भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोकैरियोटिक एग्जैक्टली क्या होते हैं। तो बच्चों प्रोकैरियोट के बाद जो नेक्स्ट ग्रुप आता है वो है यूकैरियोट। अभी यूकैरियोट, यू वर्ड का साइंस में जहां भी ये वर्ड आता है ना, यू का मतलब होता है ट्रू। जहां भी वर्ड आएगा यू मतलब क्या होगा? ट्रू। तो यूकैरियोट, तो यूकैरियोट का मतलब क्या होगा? ट्रू। और कैरियन मतलब क्या होगा? न्यूक्लियस। तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें न्यूक्लियस जो है वेरी वेल डेवलप्ड होगा, न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहेगा, करके इसको नेम क्या है? यूकैरियोटिक है। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में देखो, आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल देखे हुए हैं ना, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल ये कैसे है? यूकैरियोटिक है। ओके, क्यों यूकैरियोटिक है? क्योंकि आप जब प्लांट और एनिमल सेल ड्रॉ करते हो तो बीच में एक अच्छा सा न्यूक्लियस बनाते हो, राइट। तो यहां पे क्या है? न्यूक्लियस है, करके ये क्या हो गया? यूकैरियोटिक हो गया। और साथ में इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, जो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रेजेंट रहता है। फिर बच्चों यूकैरियोट को फिर क्लासिफाई किया गया है। यूकैरियोट में भी दो ग्रुप आता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर को हम प्रोटिस्टा बोलते हैं, और मल्टीसेलुलर में विथ सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। तो विथ सेल वॉल में प्लांट्स आते हैं, और प्लांट भी दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ। ओके, ऑटोट्रॉफिक वो प्लांट होते हैं जिनके सेल में सेल वॉल होता है, और हेटरोट्रॉफ जो होते हैं इनका जो सेल वॉल है इनमें सेल वॉल रहेगा मगर सेल वॉल में सेलुलोज नहीं रहता है हेटरोट्रॉफ में। और ऑटोट्रॉफ में सेल वॉल में क्या होता है? सेलुलोज होता है। और यहाँ पर जो विदाउट सेल वॉल वाले हैं वो क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं, जिसको हमने एनिमेलिया ग्रुप में डाला हुआ है, ठीक है। तो इसके पहले भी आपने 9th-8th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा हुआ है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द किंगडम मोनरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई ऑफ द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज बाय रॉबर्ट व्हिटेकर। ये नाम आप हमेशा याद रखो, दिस सिस्टम वॉज प्रपोज बाय रॉबर्ट व्हिटेकर। उन्होंने
लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते समय फाइव किंगडम सिस्टम दिया था, मतलब फाइव किंगडम में उनको क्लासिफाई किया था। ये फाइव किंगडम में से आप मोनरा, प्रोटिस्टा और फंजा इसको 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। What are the hidden secret of the kingdom plantae which impart this green freshness to our surrounding? तो इस चैप्टर में देखो, चैप्टर का नाम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो आप मेनली कौन से किंगडम का स्टडी करने वाले हो, प्लांटे, क्योंकि इसके पहले के तीन किंगडम आप पढ़ चुके हो, राइट। अब आप इस चैप्टर में किंगडम प्लांटे को बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हो, ओके। तो ये कह रहा है कि हमारे आसपास जो भी ग्रीनरी है, जो भी फ्रेशनेस है, ये किसकी वजह से आता है, ग्रीन प्लांट की वजह से आता है। तो ये ग्रीन प्लांट किस वे से, किस रीजन से इतना फ्रेशनेस और इतनी ग्रीनरी दे पाते हैं, उसके सीक्रेट हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जस्ट हाउ मच डाइवर्सिटी इज देयर इन दिस किंगडम, लेट्स सी। तो देखते हैं कि इस किंगडम में कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी विविधता है। ओके, डाइवर्सिटी को आप यहाँ पर स्टडी करने वाले हो। चलो पहले कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाए। किंगडम प्लांटे, कैन यू टेल विच आर द स्पेशल सेल ऑर्गेनल दैट डिफरेंशिएट प्लांट सेल फ्रॉम एनिमल सेल। अच्छा बच्चों बताओ कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है। ऑर्गेनल तो बता चुका हूँ, जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन होते हैं ना, वैसे सेल के अंदर क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन करते हैं। ओके, तो अब वो ये पूछ रहा है व्हाट आर द स्पेशल सेल ऑर्गेनल दैट डिफरेंशिएट प्लांट सेल फ्रॉम एनिमल सेल। प्लांट सेल को एनिमल सेल से डिफरेंशिएट करने के लिए उसमें कौन सा स्पेशल सेल ऑर्गेनल होता है। तो आपको मालूम है कि प्लांट सेल को एनिमल सेल से डिफरेंशिएट करने के लिए प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसकी वजह से प्लांट जो है ग्रीन दिखते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट की वजह से प्लांट सेल एनिमल सेल से डिफरेंट होता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो कौन सा स्पेशल ऑर्गेनल है, क्लोरोप्लास्ट इज द स्पेशल ऑर्गेनल दैट डिफरेंशिएट प्लांट सेल फ्रॉम एनिमल सेल। ठीक है, द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग यूकैरियोटिक सेल विद अ सेल वॉल इज द ग्रुप ऑफ प्लांट। अगर आपको कोई पूछेगा कि प्लांट क्या होते हैं, तो प्लांट क्या है, दे आर ऑटोट्रॉफिक। क्यों ऑटोट्रॉफिक है, बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना फूड वो खुद बनाते हैं, राइट। याद है ना कौन सा प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वो कहाँ से लेते हैं, एनवायरमेंट से लेते हैं, और उनके पास ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, सनलाइट से एनर्जी ट्रैप करते हैं, और दोनों के बीच में बॉन्ड बना करके क्या बना देते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं। किसके बीच में बॉन्ड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना करके वो बनाते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ये बार बार मैं बोलते रहूंगा ताकि आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला अच्छी तरह याद हो जाए। ठीक है बच्चों, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्लांट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, दिस आर द ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग यूकैरियोटिक सेल। अभी यूकैरियोट का मीनिंग तो मैं आपको बता चुका हूँ, हैविंग द ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, उसको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोट। मतलब कोई भी आपको पूछेगा यूकैरियोट क्या है, तो आप बताओगे अ सेल विथ अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस बाउंड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड हैविंग द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। प्लांट्स हैव बिकम ऑटोट्रॉफिक एंड दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस विद हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, मैंने बताया था, राइट। तो ये ऑटोट्रॉफिक क्यों है, क्योंकि अपना फूड खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम प्लांटे आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बात आप जानते हो कि हमें जो भी फूड मिलता है, सारा फूड किससे मिलता है, प्लांट से ही मिलता है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम प्लांटे आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड देने का काम कौन करता है, प्लांटे करता है। चाहे वो अभी देखो प्राइमरी कंज्यूमर हो, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ओके, सबको फूड देने का काम कौन करता है, प्लांट ही करता है, राइट। तो ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। अभी क्लासिफिकेशन करते समय कौन कौन से पॉइंट जो है कंसिडर किए गए। द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑर्गन इज द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। हाँ, ये याद रखना, आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, राइट द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑर्गन इज द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट में ऑर्गन्स है या नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लांट के ऑर्गन के नाम बताओ, तो आप बता सकते हो क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं। यस, रूट, लीफ, स्टेम,
फ्लावर्स, ये सब क्या हो गए? प्लांट्स के ऑर्गन हो गए। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ऑर्गन होते ही नहीं है, है देखो बहुत बार आपने देखा होगा ना, जहाँ से पानी बहता रहता है पत्थरों के ऊपर काई जम जाती है, जिसको हम अलगे बोलते हैं। ये काई और कुछ नहीं बल्कि एक प्लांट है, ना इसमें रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है, यानी इसमें कोई भी ऑर्गन नहीं है, समझे? तो इसको अलग ग्रुप में रखा जाएगा, और जिसको ऑर्गन हो गया उसको अलग ग्रुप में रखा जाएगा। तो क्लासिफिकेशन का पहला क्राइटेरिया क्या है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन इज द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड इज द नेक्स्ट कंसिडरेशन फॉर क्लासिफिकेशन। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। आपको मालूम है कि प्लांट को सॉइल से मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करना पड़ता है, तो मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए और इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए उसके पास कोई पाइपलाइन सिस्टम होना चाहिए। अब ये पाइपलाइन सिस्टम और कुछ नहीं बल्कि क्या है? कंडक्टिंग टिश्यू है। ये दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। अब इसमें से अगर जाइलम या फ्लोएम प्रेजेंट है तो वो अलग ग्रुप होगा, जाइलम या फ्लोएम नहीं प्रेजेंट है तो अलग ग्रुप में रखेंगे। तो दूसरा क्राइटेरिया क्या है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। पहला प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन, दूसरा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। डू द प्लांट बियर सीड? हाँ, तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि क्या प्लांट में सीड आते हैं? इफ ड्यू टू देम, अगर है सीड, वेदर द सीड्स आर इंक्लोज इन फ्रूट और नॉट इज एन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। तीसरा क्राइटेरिया क्या है? डू द प्लांट बियर द सीड, पहले तो सीड आते ही कि नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो सीड जो है फ्रूट के अंदर है या नहीं है। जैसे आपने देखो बीटल नेट देखा होगा ना, सुपारी, राइट? सुपारी जो है ये पूरा बीज ही है ना, इसके ऊपर कोई कवर नहीं होता, मतलब सीड्स आर नेकेड। और मैंगो देखोगे तो मैंगो जो है इसका सीड जो है फ्रूट के अंदर इनक्लोज है। तो कभी कभी सीड क्या होता है? फ्रूट के अंदर होता है, कभी कभी सीड जो है फ्रूट के अंदर नहीं होता। तो उसके बेसिस पर कि वेदर द सीड्स आर कवर्ड विथ फ्रूट और सीड्स आर नॉट कवर्ड विथ फ्रूट, प्लांट्स आर क्लासिफाइड। अब इसके बेसिस पर अगर अभी आगे देखो, फिर फाइनली प्लांट्स आर ग्रुप्ड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन इन द सीड, नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन। अभी कॉटिलेडॉन क्या होता है? अगर आप ग्राउंड नट देखते हो, शेंगदाने का बीज देखते हो, तो आप उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो ना। तो ये जो सिंगल सिंगल पार्ट, इसको हम बोलते हैं कॉटिलेडॉन। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉटिलेडॉन, राइट? जैसे ग्राम होता है चना, चने को भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, तो वो भी कैसा है? दो कॉटिलेडॉन है। लेकिन ज्वार, राइस, इनको आप, इनके सीड को आप दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते ना, दो इक्वल हॉल्स में डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो फिर ये क्या है? मोनोकॉटिलेडॉन है, समझे? तो ये लास्ट क्राइटेरिया होते हैं क्लासिफाई करते समय, राइट? तो पहला क्राइटेरिया क्या था? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स। दूसरा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। तीसरा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड। और उसी में द सीड्स आर नेकेड, मतलब उनमें फ्रूट के अंदर है या नहीं है, और सीड्स आर इनक्लोज इनसाइड द फ्रूट। और फिर उसके बाद सीड्स के अंदर कितने कॉटिलेडॉन है, ये भी क्या है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। एट द हायर लेवल ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसीडर फॉर क्लासिफिकेशन। अब और हायर लेवल पे जाओगे तो क्लासिफिकेशन के लिए अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर किया जाता है। एग्जाम्पल, डिपेंडिंग अपॉन द एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। अगर किसी प्लांट में फ्लावर, फ्रूट या सीड है या नहीं है, अगर है तो अलग ग्रुप, नहीं है तो अलग ग्रुप। तो अगर ये नहीं है तो प्लांट्स को हम क्रिप्टोगैम या फैनेरोग्राम में डिवाइड करते हैं। किस में डिवाइड करेंगे? क्रिप्टोगैम और फैनेरोग्राम। अभी क्रिप्टोग्राम का मतलब क्या होगा? ये ऐसे प्लांट होंगे जिनमें जो है सीड्स, राइट, ये आपको नहीं देखने को मिलेंगे, इन प्लांट में सीड्स नहीं होगा। और फैनेरोग्राम्स क्या होंगे? जिनमें सीड, फ्रूट और फ्लावर्स होंगे। देखो, अगर फ्लावर है तो ही फ्रूट आएगा, और फ्रूट है तो सीड आएगा, राइट? फ्लावर है तो फ्लावर का ही कन्वर्जन बाद में फ्रूट में होता है ना,
तो अगर कोई प्लांट में फ्लावर फ्रूट और सीड अब्सेंट है तो उसको आप क्या बोलोगे, क्रिप्टोगैम बोलोगे, राइट। अगर ये प्रेजेंट है तो उसको आप क्या बोलोगे, फैनेरोग्राम बोलोगे, क्या बोलोगे, फैनेरोग्राम। तो क्रिप्टोगैम क्या होता है, इसमें फ्रूट सीड्स फ्लावर्स अब्सेंट रहते हैं, और फैनेरोग्राम क्या होता है, इसमें फ्रूट सीड्स और फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, समझे। अब फैनेरोग्राम को भी फिर आगे क्लासिफाई किया गया, जो आप आगे देखोगे, राइट, वो हम आगे स्टडी में देखने वाले हैं। फिर एंजियोस्पर्म्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज अ मोनोकॉट और डाइकॉट। देखो एक लाइन रखे ना, हाँ, फैनेरोग्राम्स आर क्लासिफाइड एज अ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अभी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म क्या होगा, जिसमें सीड जो है फ्रूट के अंदर इनक्लोज नहीं रहेंगे, सीड जो है फ्रूट से ढके हुए नहीं होंगे, तो उनको बोलोगे जिम्नोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म क्या होगा, जिसमें सीड जो है वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज होंगे, उनको आप क्या बोलोगे, एंजियोस्पर्म बोलोगे। फिर एंजियोस्पर्म को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सीड तो आ गए लेकिन कुछ सीड में क्या होगा, एक ही कॉटिलेडॉन होगा तो मोनोकॉटिलेडॉन, कुछ में दो होंगे तो डाइकॉटिलेडॉन। तो पूरा क्लासिफिकेशन आपने यहाँ पे देख लिया, राइट। एक बार शॉर्ट में फिर से देखते हैं, किंगडम प्लांटिंग, किंगडम प्लांटिंग को क्या क्या दो ग्रुप में बांट दिया, राइट। हम पूरे ऑर्गेनिज्म को नहीं देख रहे, हम किसको देख रहे, खाली किंगडम प्लांटिंग को देख रहे हैं। तो क्रिप्टोगैम और दूसरा क्या आ गया, फैनेरोगैम, क्रिप्टोगैम और फैनेरोगैम। क्रिप्टोगैम का मतलब क्या होगा, ऐसे प्लांट जिसमें सीड्स फ्रूट्स फ्लावर्स नहीं होंगे। फैनेरोगैम का मतलब क्या होगा, जिसमें सीड्स फ्रूट्स और फ्लावर्स होंगे, राइट। इसको भी फिर क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया फैनेरोगैम को, कौन से दो पार्ट में डिवाइड किया, मोनोकोटिलेडॉन डाइकोटिलेडॉन, नहीं उसके पहले जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म क्या होगा, जिसमें सीड जो है वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज नहीं है, और एंजियोस्पर्म क्या होगा, जिसमें सीड जो है फ्रूट के अंदर इनक्लोज रहे। और फिर एंजियोस्पर्म को प्रेजेंस ऑफ कॉटिलेडॉन के बेसिस पर मोनोकॉटिलेडॉन और डाइकॉटिलेडॉन में क्लासीफाई किया गया, ठीक है। इसको हम डिटेल में थोड़ी देर में देखने वाले हैं। अब एक साइंटिस्ट है, देखिए, एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। In 1883, Eichler, a botanist, classified the kingdom Plantae into two subkingdom. As a result of two subkingdom, Cryptogam and Phanerogam were considered for plant classification. तो ये classify करने का जो plant को kingdom Plantae को दो subkingdom में classify किसने किया था, Eichler ने किया था। और कौन से दो subkingdom बनाए थे, जो मैंने आपको भी बता दिए, Cryptogam और Phanerogam। याद रखना, Crypto का मतलब होता है छिपा हुआ, और Gam मतलब gametes, मतलब सीड्स छिपे हुए, मतलब सीड्स नहीं है, सीड्स नहीं है, सीड्स नहीं है तो फ्लावर नहीं है, तो फ्रूट नहीं है, राइट। और फैनेरोग्राम में क्या होगा, इसमें सीड फ्लावर फ्रूट्स प्रेजेंट होंगे। ओके, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आपको मालूम है कि Eichler जी ने किंगडम प्लांटे को दो सब किंगडम में डिवाइड किया था, पहला था क्रिप्टोग्राम और दूसरा था फैनेरोग्राम। तो अब हम पढ़ने वाले किसके बारे में, क्रिप्टोग्राम्स के बारे में। सर्च फॉर पॉन्ड विथ ग्रीनिश वाटर, आप ऐसे पॉन्ड को ढूंढो जिसमें हरे रंग का पानी है थोड़ा। ओके, कलेक्ट सम ऑफ द ग्रीन फाइबर्स फ्रॉम द वाटर, और वहां से क्या करो, थोड़े से ग्रीन फाइबर को आप कलेक्ट करो। पुट द फाइबर इन अ पेट्री डिश एंड वॉश देम क्लीन विथ वाटर, उसे पेट्री डिश में रखो और उसको अच्छी तरह पानी से वॉश कर, ठीक है। फिर पुट वन ड्रॉप ऑफ फाइबर इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड, फिर क्या करना है, ये जो फाइबर है ना, इस फाइबर को आपको कहाँ पे रखना है, ग्लास स्लाइड पे रखना है, एंड स्प्रेड इट आउट स्ट्रेट, और उसको एकदम अच्छी तरह फैला दो। पुट अ कवर स्लिप ओवर द स्लाइड, उस स्लाइड के ऊपर कवर स्लिप रखो, एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के नीचे देखो क्या दिखाई देगा आपको, ऐसे ये जो डायग्राम बना हुआ है ना, एग्जैक्टली ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है स्पाइरोवेरा का, राइट। थ्रेड लाइक मैं बोल देता हूँ, यू विल सी द स्पाइरली अरेंज ग्रीन थ्रेड लाइक क्लोरोप्लास्ट इन द सेल इन द स्ट्रेट फाइबर, दिस प्लांट इज स्पाइरोगायरा। तो जो भी आपको माइक्रोस्कोप में दिखाई दिया वो क्या है, स्पाइरोगायरा है। अब बच्चों आप कौन सा सब किंगडम देख रहे हो, क्रिप्टोगैम, याद रखना
किंगडम प्लांट है, क्योंकि ना आगे चल के हमको ऐसा भी आएगा कि इस प्लांट को क्लासीफाई करो, तो किंगडम प्लांटे का दो सब किंगडम बनता है, राइट, क्रिप्टोगैम और फैनेरोगैम। आप किसको स्टडी कर रहे हो? क्रिप्टोगैम। अब क्रिप्टोगैम में भी डिविजन्स आते हैं, तो पहला डिविजन है थैलोफाइटा। बच्चों थैलस का मतलब ही होता है विदाउट ऑर्गन, थैलस का मतलब क्या होता है? विदाउट ऑर्गन। और फाइटा का वर्ड मतलब होता है प्लांट, तो जहां भी फाइटा वर्ड आ गया ना, इसका मतलब क्या हो गया? प्लांट से रिलेटेड। तो थैलोफाइटा ऐसा प्लांट जिसमें रूट स्टेम लीव्स ये पार्ट नहीं होंगे, तभी इसको हम क्या बोलेंगे? थैलोफाइटा। तो दिस प्लांट ग्रो मेनली इन वाटर, ये प्लांट कहां ग्रो होंगे? वाटर में। याद रखना ऑल थैलोफाइटा आर एक्वाटिक। दिस ग्रुप ऑफ प्लांट विच डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक पार्ट लाइक रूट स्टेम लीव्स फ्लावर्स बट आर ऑटोट्रॉफिक, ये सब पार्ट नहीं है इनमें, रूट स्टेम लीव्स और फ्लावर्स नहीं है, लेकिन ये क्या है? ऑटोट्रॉफिक, मतलब अपना फूड खुद बना सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो ऑटोट्रॉफिक क्यों है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इसको हम अल्गी भी बोलते हैं, थैलोफाइटा को हम अल्गी भी बोलते हैं। ऑटोट्रॉफिक क्यों है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। अल्गी शो ग्रेट डाइवर्सिटी, इनमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा विविधता, डिफरेंट टाइप्स के अल्गी आपको मिलेंगे। दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी, अभी डाइवर्सिटी में क्या आता है, कुछ अल्गे यूनिसेलुलर होते हैं सिंगल सेल से बने हुए, और मल्टीसेलुलर, या तो कुछ कैसे होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं, एंड माइक्रोस्कोपिक और लार्ज, कुछ एकदम माइक्रोस्कोपिक होते हैं और कुछ लार्ज होते हैं। आपने रेड सी सुना है ना, रेड सी, हाँ, तो रेड सी का, क्योंकि उसमें स्पेशल टाइप का अल्गा ग्रो होता है जो ग्रीन, जो रेड कलर का होता है, करके उसका नाम क्या है? रेड सी, RED, रेड सी, समझे? कहीं कहीं पे सी का कलर जो अलग अलग होता है ना, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ अल्गे। एग्जाम्पल्स ऑफ अल्गे आर स्पायर वगैरह तो आप देख ही चुके हो। दूसरा एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, नाम अच्छी तरह देख लो, यूलोथ्रिक्स। उसके बाद है वल्वा, सरगैसम, ये नाम आपको याद रखना है, राइट, इस नेम से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एक्सेट्रा। सम ऑफ दीज आर फाउंड इन फ्रेश वाटर वाइल सम आर फाउंड इन सलाइन वाटर, तो कुछ किसमें मिलते हैं? फ्रेश वाटर में, और कुछ किसमें मिलते हैं? सलाइन वाटर। बच्चों सलाइन वाटर मतलब जिसमें सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, राइट, इसको आप मराइन वाटर भी कहते हो। दिस प्लांट यूजली हैव अ सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी, तो इन ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, और इनका बॉडी कैसा होता है? धागे जैसा होता है, फाइबर लाइक। वेरियस टाइप्स ऑफ फंजाई लाइक ईस्ट एंड मोल्ड वी डू नॉट हैव क्लोरोफिल आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, याद रखना। ऑटोट्रॉफ के अलावा हेटरोट्रॉफिक जो है ना, जैसे ईस्ट और मोल्ड, इनमें तो क्लोरोफिल नहीं होता, इसको भी हमने किस में रखा है? थैलोफाइटा में रखा है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? ईस्ट इंक्लूड इन विच डिविजन, तो कौन से डिविजन में आता है? थैलोफाइटा में। मोल्ड भी किस में आते हैं? थैलोफाइटा में ही आते हैं, राइट, हाँ, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, लेकिन ये भी किसमें आते हैं? थैलोफाइटा। बहुत बार क्या होता है ना, ऐसी लाइंस हम पढ़ना भूल जाते हैं और फिर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो ईस्ट आर इंक्लूडेड इन डैश, तो किसमें इंक्लूड किया जाता है इसको? थैलोफाइटा में। मोल्ड भी थैलोफाइटा में आते हैं। तो किसके बारे में हो गया? थैलोफाइटा के बारे में हो गया। तो क्या होता है थैलोफाइटा? अगर हमें वैसे बताना पड़े किसी को, तो थैलोफाइटा सिंपल सा याद रखने का, ये वो प्लांट है जिनमें रूट स्टेम लीव जैसे पार्ट नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, और फिर इनके एग्जाम्पल याद कर लेने का। अब इसमें से जो अलगे है ना, अलगे ये क्या होंगे? ग्रीन कलर के होंगे, लेकिन कुछ फंजाई जो है जैसे ईस्ट और मोल्ड, इन फंगस को भी हम किस में रखते हैं? थैलोफाइटा में। क्यों इसमें रखा जाता है? क्योंकि उनमें भी क्या है? रूट स्टेम लीव्स ये सब पार्ट तो है नहीं ना, इसमें भी नहीं है, करके इसको भी किस में रखा जाता है? थैलोफाइटा में रखा जाता है, राइट। तो यहाँ पे आप कुछ डायग्राम देख सकते हो, ये उल्वा है, कारा, राइट, फिर यहाँ पे स्पैरो गैरा, ये जब नॉर्मल एग्जाम होता था ना, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आता था कि ड्रॉ द फिगर ऑफ स्पैरो गैरा विथ प्रॉपर नेमिंग। तो यहाँ पे ये सेल वॉल है, ये न्यूक्लियस है, देखो इसका ये पैरानॉइड, ये कुछ पिगमेंट्स होते हैं, और क्लोरोफिल, इसका क्लोरोप्लास्ट कैसा है? स्पायरल है, देखो ऐसे बनाया ना, इसलिए बोला गया स्पायरल। ये क्या हो गया? स्पायरो गैरा। तो ये डिवीजन वन हो गया थैलोफाइटा। अब जो दूसरा डिवीजन है ब्रायोफाइटा,
हम किसको देख रहे हैं? क्रिप्टोगैम्स को देख रहे हैं। क्रिप्टोगैम सब किंगडम है। उस क्रिप्टोगैम का ये डिवीजन है, पहला डिवीजन है थैलोफाइटा, दूसरा डिवीजन है ब्रायोफाइटा। यू मे हैव सीन अ लश ग्रीन सॉफ्ट कारपेट एंड ओल्ड वॉल। हाँ देखो, अभी बरसात का टाइम चालू हो गया ना, तो बरसात के समय आपने देखा होगा जो दीवारें होती हैं हरी हरी हो जाती हैं, राइट? हाँ, तो अब इसमें से आपको क्या करना है, स्क्रेप इट जेंटली, आपको इसको स्क्रेप करके निकालना है विथ अ स्मॉल रूलर। ये रूलर से निकाल लो, ऑब्जर्व इट अंडर मैग्नीफाइंग लेंस, और मैग्नीफाइंग लेंस से इसको ऑब्जर्व करो, राइट? तो ये जो प्लांट आपने स्क्रैप करके निकाला ना, ये और कुछ नहीं बल्कि एक ब्रायोफाइट है। अब ब्रायोफाइट में क्या होता है, देखो उसमें तो बिल्कुल ही रूट स्टेम ये सब स्ट्रक्चर नहीं थे, मगर ब्रायोफाइट में रूट तो नहीं होगा लेकिन रूट जैसा स्ट्रक्चर होगा, लीफ नहीं होगा मगर लीफ जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। तो थोड़ा सा उससे हायर लेवल आ गया ब्रायोफाइट, राइट? अब ब्रायोफाइट की स्पेशलिटी ये है, ये जो है ना, इनको हम ब्रायोफाइट को, जितने भी ब्रायोफाइट हैं, जैसे फ्रॉग होता है ना, एनिमल वर्ल्ड का एम्फीबियन है ना, जो वाटर और लैंड दोनों में रहता है, बच्चों यहाँ पे ब्रायोफाइट जो है ना, ये प्लांट वर्ल्ड के एम्फीबियंस हैं, क्योंकि ये रहते तो पानी में है, सॉरी ये जमीन पे मॉइस्ट सॉइल में ग्रो होते हैं, लेकिन इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, मतलब वाटर में भी, वाटर में भी रहेंगे और लैंड पे भी रहेंगे, करके दे आर कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? देखो, दिस ग्रुप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दे ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल बट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। दिस प्लांट्स आर थैलोइड, वही थैलोफाइटा थैलोइड, मल्टी सेलुलर एंड ऑटोट्रॉफिक, तो मल्टी सेलुलर एंड ऑटोट्रॉफिक, इनमें भी रूट स्टेम लीव्स स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, राइट? लेकिन उसके जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर रहते हैं। देखो आगे दिया है, दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, सीड नहीं होता, सीड की जगह पे क्या रहता है, स्पोर रहता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज फ्लैट, इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, फ्लैट चपटा, रिबन लाइक लॉन्ग, रिबन की तरह लंबा, विदाउट ट्रू रूट, देखो विदाउट ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स, रूट स्टेम और लीव्स इनमें भी नहीं है, क्योंकि बॉडी कैसा है, थैलोइड है, तो ट्रू रूट स्टेम और लीव्स नहीं है, लेकिन उसके जैसे स्ट्रक्चर है। तो इंस्टेड दे हैव अ स्टेम लाइक और लीफ लाइक पार्ट एंड रूट लाइक राइजॉइड। तो ब्रायोफाइटा में रूट के जगह पे रूट के जैसे दिखने वाले क्या होते हैं, रूट के जैसे दिखने वाले क्या होते हैं, राइजॉइड होते हैं। क्या होते हैं, राइजॉइड। दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ फूड, याद है हमने देखा था क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, जाइलम और फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू, तो इनमें ये कंडक्टिंग टिश्यू भी नहीं होते। एग्जाम्पल आर मॉस, फिनेरिया, मार्केंशिया, एंथ्रोसिरस, रिक्सिया एक्सेट्रा। समझे, यहाँ पे डायग्राम देखो दिया हुआ है, फिनेरिया का दिया है, मार्केंशिया का दिया है, राइट, फिर एंथ्रोसिरस का दिया हुआ है, ओके। तो ये डायग्राम की भी आपको प्रैक्टिस करके रखनी है। चलो नाइन्थ में तो अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन आगे आपको डायग्राम का प्रैक्टिस करके रखना है, ओके? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कौन सा किंगडम था, ब्रायोफाइटा था। कौन सी बातें याद रखनी है ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइट जो है दे आर कॉल्ड एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ये भी थैलाइड होते हैं, इनमें रूट स्टेम और लीव्स तो नहीं होते, लेकिन रूट जैसे स्ट्रक्चर जिसको राइजॉइड बोलते हैं, स्टेम और लीव जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, मगर ट्रू रूट ट्रू स्टेम और ट्रू लीव नहीं होता। अब चलते हैं नेक्स्ट डिवीजन की तरफ, वो डिवीजन क्या है, टेरिडोफाइटा। एक बार फिर से मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, प्लांट किंगडम, क्रिप्टोगैम, फनेरोगैम। क्रिप्टोगैम में डिवीजन वन, पहला डिवीजन क्या आता है, थैलोफाइटा, उसके बाद ब्रायोफाइटा, और उसी का तीसरा डिवीजन क्या है, टेरिडोफाइटा। प्लांट फ्रॉम दिस ग्रुप हैव अ वेल डेवलप्ड रूट। हाँ देखो, थैलोफाइटा में रूट स्टेम लीफ नहीं था, ब्रायोफाइटा में भी नहीं था, लेकिन उसके जैसे स्ट्रक्चर थे। अब टेरिडोफाइटा में ये तीनों स्ट्रक्चर अच्छी तरह आ चुके हैं। तो प्लांट फ्रॉम दिस ग्रुप हैव अ वेल डेवलप्ड रूट स्टेम एंड लीव्स, इसमें रूट स्टेम और लीव्स बहुत अच्छी तरह डेवलप होंगे, एंड सेपरेट टिश्यू फॉर कंडक्टिंग ऑफ फूड एंड वाटर। ब्रायोफाइटा में भी कंडक्टिंग टिश्यू नहीं थे, थैलोफाइटा में भी नहीं थे, लेकिन यहाँ पे कंडक्टिंग टिश्यू रहेंगे,
फूड और वाटर को कंडक्ट करने के लिए, मतलब जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे रहेगा, बट दे डू नॉट बियर फ्लावर एंड फ्रूट, क्रिप्टोगैम में तो फ्लावर और फ्रूट इसमें नहीं होता है, बाकी सारे पार्ट है, खाली फ्लावर और फ्रूट नहीं है। दे रिप्रोड्यूस विथ हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन अलॉन्ग द बैक ऑफ पोस्टर ऑफ अ सर्फेस ऑफ देयर लीव्स। अब यहाँ पे देखो ये इसका ये है ना फर्न है राइट, उसका ये एक लीव दिखाया है और लीव का जो पीछे वाला पार्ट है ना वो दिखाया, वहाँ पे देखो ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको सोराय बोलते हैं और इसके अंदर क्या होते हैं स्पोर्स होते हैं फॉर्म्ड अलॉन्ग द बैक और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीव्स। एग्जाम्पल आर फर्न लाइक नेफ्रोलिपिस, मार्सिलिया, टेरिस, एडियंटम, एक्वेसेटम, सिलिजिनीला, नाइकोपोडियम एक्सेट्रा। दिस प्लांट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन एंड सेक्सुअल बाय जाइगोट फॉर्मेशन। ये दोनों वे से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, असेक्सुअली कैसे करेंगे स्पोर फॉर्मेशन से और सेक्सुअली बाय जाइगोट फॉर्मेशन। दे हैव अ वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग टिश्यू। सबसे स्पेशल बात टेडोफाइटा में क्या होता है, वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं क्रिप्टोगैम को, ठीक है। तो अब हम लोग क्रिप्टोगैम कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फैनेरोगैम के बारे में, राइट। तो आपको क्या याद रखना है, क्या नाम था साइंटिस्ट का, यस देखो यहाँ पे आपने साइंटिस्ट का नेम देखा था, याद आया, यस क्या नाम था उनका, इटलर। इटलर ने क्या किया था, प्लांट जो किंगडम है इसको दो सब किंगडम में बांट दिया था, क्रिप्टोगैम और फैनेरोगैम। क्रिप्टोगैम के फिर थ्री सब डिविजन्स बनाए थे, थ्री डिविजन बनाए थे। पहला डिविजन क्या था, थैलोफाइटा, वेरी गुड। दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, राइट। और ये जो है सारे ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन है ये वाला, और अभी जो हम देख रहे हैं वो किसका देख रहे हैं, खाली प्लांट का क्लासिफिकेशन, राइट। तो आप इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भेजो, राइट। फिर जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ में, थैंक यू बच्चों।